प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार, ये पीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार नुसाब तक, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित, इस वक्त मैं हमारे स्टूडियो के यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले की बात है जब हम ग्राउंड पर जाकर एक न्यूज कलेक्ट करके हम आए, और हम आपको बता दें कि लाइट हाउस सिग्नल के वहाँ पर 9:30 से 10 बजे के बीच एक हादसा हुई। उस हादसे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे पोर्ट ब्लेयर में, सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में नहीं, अंडमान के हर क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो रोड पर आपको गाय बैल वगैरह आपको मिलेंगे, जिसके कारण जो है हर दिन एक्सीडेंट्स होते रहती है, लोगों की मौत भी हो जाती है इसमें, खास करके टू व्हीलर वाले, क्योंकि हर जगह जो है स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये लोग जो है रोड पर बैठे रहते हैं, और जब हम हॉर्न मारते हैं, हॉर्न मारने के बावजूद भी ये लोग जो है टस्से-मस्त नहीं होते। एक नहीं, दो नहीं, अनेक गाय बैल वगैरह जो है, जितने भी पशु है, जितने भी जानवर है जो लोग पालते हैं, वो हमेशा ही रोड पर बैठे रहते हैं। भाई ये बस वाले के बारे में बोलो रे भाई, भाई ऐसा तमाशा करेगा क्या वो? भाई दूसरा एक्सीडेंट इसका, ये तो जानवर गाड़ी का ट्रैफिक रूल्स में लिखा नहीं है क्या? गाड़ी गाय रहेगा तो गाय देखे मत चलो, अगर गाड़ी देख के चलो करके। कितने बजे हुआ ये? ये अभी रिसेंटली हुआ ना, फोन आया करके, हम सडन जाम में आए। देखिए यहाँ पर जो है रोड भी ब्लॉक है, और ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जो रोड को क्लियर कर रहे हैं। बस है राजलक्ष्मी, तो अब इसमें बस वाले की गलती है कि यहाँ पर जो जानवर वाइट टैटी है उसकी गलती है पता नहीं, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं ऐसी तरह जो है जानवर जो है रोड में पड़ी रहती है, बैठते रहती है, और जिसके कारण जो है एक्सीडेंट कई ज़्यादा यहाँ पर होती है। अब हम बात करेंगे, जैसा हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि एक बस आ रही थी, और बस जब वहाँ से आई तो नीचे एक बैल बैठी हुई थी, तो बस ने जो है, बस वालों ने बैल को जो है दबा दिया अपनी गाड़ी से। तो अब इसमें हम किसकी गलती आपको बताइए, गलती तो किसी की भी थी, लेकिन इसमें जो है बैल को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। बैल को निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, गाड़ी का जो है, गाड़ी के नीचे जो है जैक लगाया गया, जैक लगाकर जब बैल को वहाँ से निकाले, रोड पर काफ़ी खून वहाँ पर गिरा हुआ था जो कि बैल का था। तो बस थी के राजलक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, जो कि एक सेमी स्लीपर बस है, और उसके नीचे जो है बैल आ गई थी। लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि बैल वहाँ पर पहले से रोड पर जो है बैठी हुई थी, और बस वहाँ से आई और बस वाले ने ब्रेक मारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बस के नीचे जानवर जो है फंस गई। अब आप लोग ही इसमें कमेंट्स करके बताएं। बैल के बदन पर हर जगह जो है चोटें थी, जब हम वहाँ पर देखे तो हमें भी काफ़ी वहाँ पर जो है अच्छा नहीं लगा देखकर, लेकिन आए दिन जो है ऐसा होते रहता है, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसके कारण जो है रोड भी वहाँ पर ब्लॉक हो चुका था, और हमारे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर रोज़ा मैम भी वहाँ पर पहुँच गई, और उसके साथ साथ ट्रैफिक के जितने लोग हैं वहाँ पर, जितने भी पुलिस कर्मी हैं, कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल, वो भी वहाँ पर पहुँच गए, और वो लोगों ने जो है, क्योंकि रोड जो है जाम हो चुका था, आप सभी को पता है कि स्कूल भी खुल चुके हैं, इसके कारण ऐसी ट्रैफिक जो है जाम रहता है। उसके बाद अभी ये ऐसा हुआ है तो रोड जो है और जाम हो चुका था, तो उन लोगों ने जो है रोड को मॉनिटरिंग कर रोड को जो है डाइवर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको ये बात बता दें कि बैल को जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चोटें लगी है। अब आप खुद इसमें कमेंट्स करके बताइए आखिर इसमें गलती किसकी है, क्योंकि ये चीज़ जो है सिर्फ आज हम जब बता रहे हैं ये वैसा नहीं है, हर किसी के साथ हुआ होगा। अभी आप लोग जो ये न्यूज़ देखेंगे, आप लोग खुद इसमें कमेंट करके बताइए कि ऐसा चीज़ जो है आपके साथ भी ऐसा घटना जो घटी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर ध्यान दे,
क्योंकि रोड पर इस तरह के जानवर अगर बैठे रहते हैं इसके कारण एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दें, और हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे जिसमें वहाँ के लोग जो है काफ़ी चिल्ला रहे थे, लोग बस वाले के ऊपर भी चिल्ला रहे थे, देन जिनका जानवर था उनके ऊपर भी चिल्ला रहे थे। जैसे ही हम वहाँ पर गए तो पी एस अबडीन की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और वो लोग जो है जिसका वो बैल था उनसे जो है बातचीत करने लगे। अब आगे की जो अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा हादसा आप लोगों के साथ हुआ है या ना हुआ है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन तरुण के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।